रास्ता है मड़वा महल जाने का, कितना खतरनाक है वो पूरा रास्ता देखिए, मतलब बाइक चलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उधर है ना देख, कब आवाजें आ रही हैं, चमगादड़ ही तो है। देखिए ये कच्चा रास्ता है जंगल वाला, जो हम लोग खींची गांव से आए हैं, ठीक है। और ये सामने की तरफ जो रास्ता है ये अमरकंटक से सीधे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पक्का रास्ता है। तो यहाँ से आप अमरकंटक से यदि आते हैं तो ये पक्का रास्ता मिलेगा और ये टर्न मिलेगा और ये सीधे देखिए बैरियर लगा है और आधा 500 मीटर की दूरी पर आपको माई का मड़वा का जो मंदिर और वो जो जगह है वो मिलेगी। देखिए अपन आ गए यहाँ पे, माई का मड़वा इस जगह का नाम है और एक बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये अमरकंटक के पास। हालांकि जो रास्ते हैं वो यहाँ तक पहुँचने के भी बड़े मुश्किल हैं, हम लोग कच्चे रास्ते से जंगल वाले से आए थे। और ये देखिए पूरा जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। यहाँ पे देखिए हनुमान जी का मंदिर भी है और इस तरफ झरना है, उधर मैं आपको लेके चलूँगा। और इस तरफ ये अभी ये बनाया है, बहुत साल पहले मैं आया था ना तो कुछ नहीं था, ये सब अभी बना है। एक केवची गांव पड़ता है अमरकंटक से नीचे करीब 20 किलोमीटर पहले, तो वहां से एक शॉर्टकट है, 3-4 किलोमीटर अंदर जंगल का रास्ता है, तो हम लोग वहां से आए हैं। तो यदि आप अमरकंटक से आना चाहेंगे तो अमरकंटक से रास्ता है, और यदि आप इस तरफ से आएंगे थोड़ा सा थ्रिल एक्शन चाहिए और एकदम खतरनाक वाले रास्ते चाहिए जिससे हम लोग आए हैं, तो वो केवची गाँव से आप आ सकते हैं। अभी उधर देखिए मैंने आपको दिखा दिया, कुछ कार वगैरह देखिए खड़ी हैं, और इधर से ये ट्रैकिंग वाला है, इधर से नज़ारे कुछ उधर सामने से दिखेंगे ना वो बड़े ज़ोरदार हैं। चिल्लाओ तो यार एक बार कुछ देखें, आवाज़ गूंजता है कि नहीं। जय श्री राम, सीताराम। तो यहाँ टावर नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं कहाँ टावर आ जाता है, टावर नहीं आता यहाँ किसी मोबाइल का, BSNL का थोड़ा बहुत पकड़ता है, ताकि जियो एयरटेल तो आप भूल ही जाओ। ये यहाँ का सेकंड व्यू पॉइंट, अरे एक तरफा यार, थोड़ा सा बारिश में तो और गजब ढा देगा ये पूरा है। वो क्या है, माई की गुफा लिखा है, तो रास्ता कहाँ से है उसका, उधर से चला चली का। ये देखिए ये पूरा देखिए बना है, यहाँ से वो झरना, ये ऐसे पूरा ये वाला ट्रैकिंग वाला रास्ता है। देखिए एक पेड़ है उसमें छत्ता है, लेकिन बोलते हैं मधुमक्खी का नहीं है, तो किसका है वो नहीं समझ में आ रहा, आगे पूछ के बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ, वो देखो तबाही नज़ारे हैं। देखो यहाँ पे ये बना दिया व्यू पॉइंट जैसा कि यहाँ से आप इकोसिस्टम में आवाज़ गूंजती है। क्या बोलते हैं यहाँ खजाना है, मतलब आज तक किसी को मिला है, अब तक होता ना तो भाई पूरा पहाड़ खोद डाला जाता अगर खजाना होता तो। इसके नीचे गुफा है, कुछ भी यार ऐसा थोड़ी होता है, इसके नीचे खजाना है। अरे बाजार थे तो भी, ओ यार खजाना तो दिख रहा है, पलटा दे, इसी के नीचे है खजाना लगता है। वाह पहले जमाना का भीम है हम,
तो अभी तक खाते पीते नहीं हो क्या? अभी क्या हो गया तुमको, डाइटिंग पे हो? माई का गुफा, ये रास्ता है देखिए, माई का गुफा लेके जा रहा हूँ अभी आपको मैं। जय हो माँ, जय हो जगदम्बा। सीताराम महाराज जी, रास्ते देखो बनाए थे। जय हो माई, हर हर महादेव। जय शिव शंभु। वो देख जलाभिषेक वो परमानेंट होता है उनको। कितना पुराना है महाराज जी गुफा ये? किसका? सतयुग का है। ओ, लग भी रहा है कि यहाँ से ही कुंड बनता है। और यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया बहुत ज़्यादा गहरा है, तो यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता जैसे मैं हूँ तो कोई मतलब नहीं नहाने का। और ये पूरा पानी नीचे जा रहा है और वो देखिए वहाँ तक, तो वहाँ पे अपन कहीं जाके नहाएंगे। मेरे साथ जितने लोग आए सबको तैरना आता है, सिर्फ मुझे नहीं आता है। दोस्तों ये था पूरा माई का मड़वा, जो अमरकंटक से सिर्फ 15 किलोमीटर नीचे की तरफ है। अमरकंटक यदि जो भी आते हैं, ये एक ऐसी जगह है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत ही कम वीडियो हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। हालांकि अभी पक्की रोड भी बन गई। यदि आप अमरकंटक से आते हैं और शॉर्टकट लेना है तो जो मैंने केवची गांव बताया वहाँ से 4 किलोमीटर का जंगल का रास्ता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उससे ना आते हुए यदि आप अमरकंटक से आएँ तो बेहतर है। यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज का मंदिर है, माँ जगदम्बा का मंदिर है, वाटरफॉल है, पूरे जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं, व्यू पॉइंट है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको एक पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। और एक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।